सो कैसे हैं आप सभी। तो वेलकम टू माय चैनल। आप सभी का मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम करने वाले हैं फेस कवर वीडियो। ठीक है, काफ़ी दिन हो गए थे फेस कवर करे हुए, तो सोचा क्यों ना विंटर फेस कवर किया जाए, क्योंकि विंटर ही है ना। हाँ, सर्दियां हैं तो सर्दियों में हमें फेस कवर करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर सिर में हवा चली गई ना, फेस कवर तो बात की बात है, अगर सिर में हवा चली गई तो उससे क्या होता है, सिर दर्द होता है। और अगर फेस पे हवा लग गई तो फेस फट जाता है। तो फिर मैंने लिया है, ये मेरा येलो वाला दुपट्टा है। आज जैसे कि रिक्वेस्ट आती है फुल फेस कवर करना है, मुझे ग्लव्स भी वेयर करने हैं, और साथ ही साथ ये भी। ठीक है, तो वही इस पर तो लिपस्टिक लगी हुई है, तो इधर से स्टार्ट करते हैं। तो सर्दियां है ना, गर्मियां तो है नहीं, तो हम इसको डबल फोल्ड करते हुए चलेंगे ताकि सिर में सर्दी ना लगे। तो इसको थोड़ा डबल फोल्ड कर लेंगे, उससे क्या होगा कि सर्दी के टाइम में अगर हम बाहर बाइक पे जा रहे हैं, बस से आ रहे हैं या पैदल भी आ रहे हैं, और सर्दी ज़्यादा है तो ठंड नहीं लगेगी। तो डबल फोल्ड कर लिया है, और उसके बाद थोड़ा सा आईब्रो से ऊपर तक लाइन। बॉयज़ एंड गर्ल्स, मैं अभी मार्केट गई थी, मैंने देखा गर्ल्स से ज़्यादा तो बॉयज़ फेस कवर करते हैं। यहाँ पे डबल लेयर हो गया, और अब नोज़ पे भी हमें डबल लेयर चाहिए, क्योंकि नोज़ पे या चिक्स पे हवा लग गई ना तो हमारे वो चिक्स और नोज़ फट जाते हैं, और साथ ही साथ लिप्स भी। तो यहाँ से इसको डबल लेयर किया है कुछ इस तरह से, और ये जो इसकी झालर है ये आगे की तरफ है, और फिर इसे मैंने तो चोटी बना रखी, उसके ऊपर बांध लेना है। ठीक है, ये स्वेटर मेरा जब मैं शादी से पहले स्कूल में पढ़ाती थी, करीब 10-12 साल हो गए थे, तब से ये मेरा साथ दे रहा है। मैं इसे घर से ले आई, मैंने कहा मम्मा ये मेरा है, इसे आप मुझे ही दे दो। तो अब ये चश्मे भी लगा लिए हैं, साथ ही साथ मैं आज ब्लैक ग्लव्स लेकर आई हूँ। ज्यादा लंबे ग्लव्स पहनने की तो जरूरत है नहीं, तो छोटे भी पहन सकते, पर छोटे ग्लव्स मेरे पास थे नहीं तो मैंने लंबे ही ले लिए, क्योंकि सर्दियों में काफी कुछ तो हमारा स्वेटर से कवर हो जाता है, ज्यादा लॉन्ग ग्लव्स लेने की कोई जरूरत नहीं है। फिर भी अगर आपके पास है तो आप उन्हें बस कलाई तक, मतलब यहाँ तक भी इतना इकट्ठा करके रख सकते हैं, तो ये अपने शॉर्ट ग्लव्स की तरह काम कर लेगा। पता नहीं लोग चश्मा पहन के मार्केट कैसे निकल जाते हैं, मैं तो थोड़ा सा बोली हूँ इसमें धुंध छा गई। ज्यादा बोलूंगी तो क्या पता बर्फ ना जम जाए। तो ये लीजिए, तो हमारा स्वेटर मैंने पहले से पहन ही रखी है, तो ये हमारा विंटर विंटर ड्रेसअप हो गया, या आप ऐसे कह सकते हैं विंटर सारी स्टाइल कह सकते हैं। ये धुंध को ज्यादा ही आ रही है, कहीं बर्फ ना जम जाए, मुझे सर्दी लग जाएगी। मुझे हैंकी से फेस कवर करने की बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट्स आ रही है, ठीक है, बट मैंने ये हैंकी अभी देखा, इसकी काफ़ी मैंने बैंड बजा रखी है, इसमें लिपस्टिक के दाग, इसमें मैंने फेस भी साफ किया हुआ है, बट कोई ना, फ़ोन का कैमरा इतना अच्छा नहीं है कि इतनी सारी गंदगी को वो कैप्चर कर सके, इसमें सिर्फ वाइट वाइट दिखाई दे रहा है। तो हम हैंकी को सिर्फ ट्राइंगल में ही कन्वर्ट करके बांध सकते, और कोई इसका सॉल्यूशन है ही नहीं। और ये थोड़ा ठीक ठाक आपको चौड़ाई में लेना है, क्योंकि छोटे हैंकी है ना बंध नहीं पाते हैं, तो बस इस तरह से आप बांध लीजिए, छोटे के ऊपर बांध लीजिए, आपकी जो ऊपर की हेयर स्टाइल है वो खराब नहीं होगी। अरे आप लोग मुझे कमेंट करके बताना कि आप स्कार्फ बांध के चश्मे कैसे यूज कर सकते हैं, कैसे यूज ले लेते हैं। मैं तो 2 मिनट में चश्मा लगाती हूँ, उसमें भाप छा जाती है, अभी धीरे धीरे सूख रही है जादू की तरह, और यह पूरा साफ। तो सर्दियों में क्या होता है ना, जब मैं छोटी थी, बहुत छोटी थी, तो स्कूल में जाने के लिए जब दुपट्टा वगैरह नहीं मिलता था, तो मम्मी थोड़ा बड़ा हैंकी लेती थी और उससे ऐसे मेरा फेस कवर कर देती थी। वाह, मम्मा की बेटी बन गई मैं। पर ये तो वाइट है, वाइट नहीं होता था, वो ब्लू कलर का या ब्लैक कलर का होता था, जिससे क्या होता था टेम्परेली मेरे थोड़े कानों का बचाव हो जाता था। आजकल तो वैसे स्कार्फ आते ही नहीं है, इसकी दूसरी नॉट नहीं लग रही है, गला ना दिख जाए मेरा। हाँ लग गई, हाय कितनी सोनी लग रही हूँ मैं। ठीक है, इसके ऊपर हम दुपट्टा बांध सकते हैं, वैसे अच्छा लगेगा, पीला वाला लेते हैं। ठीक है, उससे है ना पीछे की जो घास फूस दिख रहा है ना वो नहीं दिखेगा। अरे यार आ जा यार,
हाई रहा हूँ। लॉन्ग दुपट्टे के साथ साथ हम शॉर्ट दुपट्टे से भी सर्दियों में फेस को कवर करें, तो अब जब भी आप दुपट्टा ले तो थोड़ा थिक ले मटेरियल में, क्योंकि जो लाइट वेट होता है उसमें सर्दी लग जाएगी। इसका कपड़ा थोड़ा मोटा है और इसे मैं आज पांचवी या छठी बार या सातवीं बार तो 1 साल हो गया इसे यूज करते करते वीडियो बनाने के लिए। तो इसको भी सबसे इजी तरीका क्या होता है, आप इसे ट्राइंगल में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। और फिर ट्राइंगल में कन्वर्ट किया है, और अगर आपने मेरे प्रीवियस वीडियोस देखे हैं पहले के, ठीक है, तो वह आपको पता चल गया होगा कि मैं वही सेम तरीका बताने वाली हूँ कि आपको इसे भी आईब्रोज के ऊपर तक लाना है और दोनों साइड इक्वल पार्ट रखना है, ताकि जब हम पीछे नॉट लगाते हैं ना तो उसमें काफी आसानी रहे और हमें सर्दी भी ना लगे। और जब भी आप यहाँ से ये लेना तो इस बात का ध्यान रखें कि ये कान से आगे ना आ जाए, नहीं तो ये कभी बंद ही नहीं पाएगा। तो इसे थोड़ा सा आपको इशारे से लेना है और यहाँ से खींचते हुए लाना है। ज्यादा खींच देंगे तो ये यहाँ से निकल आएगा, जैसे कि ये भी यहां से निकल आया है अपने आप राजी खुशी। धुंध छा गई मेरे तो चश्मों में, अब सांस लेना भी मना है क्या? कहां गया बे ये रहा। कभी कभी अंगूठा उंगली की जगह आ जाता है, कंफ्यूजन हो जाती है उंगली है कि अंगूठा है। अब साफ दिख रहे हैं, अच्छे लगते दिखने में। पर मैं ऐसे सोचती हूँ, क्या पता उनको बैठे बैठे सामने का जो नजारा होगा वो लाल लाल या ब्राउन ब्राउन या कुछ अलग कलर में दिख रहा होगा। बस ऐसा मैं सोचती रहती हूँ, फिर मैं सोचती हूँ अपने को क्या। एक बार मैंने भी ट्राई किया था, चलो मैं भी 4-व्हीलर में चश्मे लगा के बैठती हूँ, इतनी शर्म आई कि मैंने कहा पता नहीं बाहर वाले से देख रहे होंगे कि इसको गाड़ी में भी धूप लग रही है। जाने से पहले वीडियो को लाइक जरूर करना, कमेंट करके बताना कि आप भी बचपन में किस तरह से अपने सिर को प्रोटेक्ट करते थे, आपकी मम्मी या किस तरह आपका यूं मुंह पकड़ के यूं बाल बनाती थी। बाय।